नमस्कार क्राइम रिपोर्टर्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं उनिशा सरो शाही नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। उमरिया जिले के कलेक्टर ने अपने चैम्बर से एसी हटवाकर अस्पताल में भर्ती कुपोषित बच्चों के रूम में एसी लगवाकर पेश की मिसाल। अपने चैम्बर के साथ सभा कक्ष के 3 एसी भी हटवाकर लगवाए गए। बीमार बच्चों के रूम में अपने वाहन से भी एसी हटाकर कलेक्टर ने किया सराहनीय काम। डिग्री तापमान में यदि कोई अफसर अपने चैम्बर और वाहन से एसी हटाकर बीमार बच्चों के रूम में लगवा देते हैं तो यह सराहनीय कदम माना जाएगा, जिसे देखकर उमरिया जिले के कलेक्टर स्वरोचिस सोमवंशी ने, जिन्होंने कुपोषित बच्चों का दर्द देखा और पहले तो उनके रूम में चंदे से एसी लगवाने का प्लान बनाया गया लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, तो प्रचंड गर्मी को देखकर कलेक्टर ने अपने चैम्बर और सभा कक्ष के एसी ही सभी बच्चों के कमरे में लगवा दिए। ये एक स्वाभाविक निर्णय था, हम लोगों ने ऐसा कुछ सोच के नहीं किया था। एनआरसी भ्रमण में ये महसूस किया कि उस दिन बहुत गर्मी थी और हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, वो पुलिस वीक में हम लोग व्यवस्था कर भी लेंगे, लेकिन उस दौरान जो बच्चे हैं तो हम लोग को ये फील हुआ कि अभी तो तुरंत एक व्यवस्था करने की आवश्यकता है, तो बस उसी हिसाब से किया है। मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। एक अपने चैम्बर का है और 3 हॉल के हैं, तो हमारे 4 बेसिकली 4 एनआरसी हैं, 4 ब्लॉक में, तो हम लोगों ने चारों ब्लॉक्स में लगवाए थे। गाड़ी कभी ऐसी आपने लगा के चल रहे हैं? एक्चुअली आप फील्ड में जाते हैं तो ठंडा गर्म होता है तो उसमें दिक्कत होती है, तो इसलिए गाड़ी का एसी बंद है। उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, मैं बार बार इस बात को रेखांकित कर रहा हूँ कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये स्वाभाविक है। बहुत सारे लोग बिना एसी के रहते हैं, चलते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी कुपोषित हैं उनकी फैमिली के लोग आते हैं तो वो बच्चे वैसे ही पीड़ित हैं, और जब टेम्परेचर हाई रहता है तो उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होती हैं, तो टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा तो बच्चों को एक तो राहत रहेगी फिजिकली, दूसरा जो बैक्टीरियल एक्टिविटी वो भी कम रहेगी। बस इतना ही था, उसमें कुछ खास नहीं। सब कुछ मिलता है, खाना मिलता है, बच्चे को दवाई गोली सब कुछ टाइम से मिलता है। जी नहीं, कोई परेशानी नहीं, गर्मी सब कुछ है, पंखा है, एसी है, कूलर है। एनआरसी में जो है पेशेंट के कंफर्ट के लिए पिछले साल खनिज मत के द्वारा माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा 3 एसी दिए गए थे, तो उसमें से 1 एसी जो है वो खराब था, नहीं चल रहा था काफ़ी दिनों से, तो कलेक्टर साहब की जानकारी में शायद ये बात थी, तो उन्होंने जो है अपने चैम्बर का एसी निकलवा के यहाँ भिजवा दिया था। कुल 4 एसी उन्होंने चारों एनआरसी के लिए दिए थे, बाकी 3 एसी जो है, 3 जो एनआरसी फील्ड में है, चंदिया, पाली और मानपुर, वहाँ 1-1 एसी दिया है, 1 एसी यहाँ जो हमारे यहाँ एनआरसी के लिए दिया था, तो अब 3 एसी जो है फंक्शनल है हमारी एनआरसी के। हालांकि कलेक्टर इसे बड़ा काम नहीं मानते लेकिन प्रचंड गर्मी इस दौर में एक कलेक्टर का यह फैसला वास्तव में किसी मिसाल से कम नहीं। उमरिया से राजेंद्र मिश्रा की एक रिपोर्ट।